हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैशमेक इंग्लिश एकेडमी। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे मे माइट कुड के विषय में। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज के लेसन में मे माइट और कुड के विषय में पढ़ेंगे। ये सारे मॉडल्स कहलाते हैं। मॉडल वर्ब आर यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, एबिलिटी एंड परमिशन। ठीक है, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी एंड परमिशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम मॉडल्स को यूज करते हैं। सो इन दिस लेसन वील फोकस ऑन द मॉडल वर्ब्स मे, माइट एंड कुड विच आर यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। सो इस लेसन में हम मे, माइट और कुड के यूजेस के विषय में हम पढ़ लेंगे और ज़्यादातर हम जो यूजेस जो है हम पॉसिबिलिटी के ऊपर फोकस करेंगे हम इस लेसन पर। फर्स्ट हम मे मॉडल वर्ब का यूजेस को देखेंगे। मे इज यूज टू एक्सप्रेस अ पॉसिबिलिटी दैट इज मोर लाइकली टू हैपन। ठीक है, मे मॉडल वर्ब जो है एक पॉसिबिलिटी को दर्शाता है जो ज़्यादातर होने वाला हो, होने के लिए ज़्यादा स्वाभाविक हो। सो जैसे कि एग्जांपल है, इट मे रेन टुमारो, इट मीन्स देयर इज अ गुड चांस ऑफ रेन टुमारो। ठीक है, बारिश होने का जो पॉसिबिलिटी जो है उसमें ज़्यादा चांसेस है। ऐसे पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, सी मे अटेंड द पार्टी, इट मीन्स कि इट्स पॉसिबल दैट सी विल अटेंड द पार्टी। उसकी पार्टी में अटेंड करने का जो एक पॉसिबिलिटी जो है वो ज़्यादा है। अब हम करेंगे माइट के यूजेस के विषय में। माइट इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ पॉसिबिलिटी दैट इज लेस लाइकली टू हैपन। ठीक है, माइट हम उस पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए एक्सप्रेस करते हैं जो कम मात्रा में उसकी होने की चांसेस हो। जैसे एग्जांपल सेंटेंस हम देखते हैं, इट माइट रेन टुमारो, यहाँ पर मे लगेंगे तो इसका बारिश होने का चांस जो है ज़्यादा रहता है, लेकिन जब जैसे हम माइट लगाएंगे बारिश होने का चांसेस कम रहता है, देयर इज अ स्मॉल चांस ऑफ रेन टुमारो। उसी तरीके से सी माइट अटेंड द पार्टी, ठीक है, यहाँ पर भी उसका पार्टी में अटेंड करने का जो एक पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत ही कम रहता है। सो इस तरीके से हम माइट को यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे कुड के विषय में। कुड इज यूज टू एक्सप्रेस अ पॉसिबिलिटी दैट इज मोर अनसर्टेन। ठीक है, कुड हम उस पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं जो अनसर्टेन है। हो सकता है कि यहाँ पर होगा या नहीं होगा, ये चीज़ का हमें पता ही नहीं चलता है। ये चीज़ जब हमें पता ही नहीं चलता है तब हमें कुड का यूज़ करना होता है। जैसे एग्जांपल, इट कुड रेन टुमारो, अब इट मींस देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ रेन टुमारो बट इट इज़ नॉट वेरी लाइकली। अब कल बारिश होगा या नहीं होगा हमें यहाँ पर पता नहीं चलता है जब हम कुड का यूज़ करते हैं। और इसी तरीके से, दे कुड अटेंड द पार्टी, पॉसिबल बट नॉट वेरी लाइकली दैट दे विल अटेंड द पार्टी। अब यहाँ पर हमें पता नहीं चलेगा कि मुमकिन तो है लेकिन ये बात होगा या नहीं होगा, वे पार्टी को अटेंड करेगा या नहीं करेगा, इस चीज़ का हमें यहाँ पर क्लियरली कुछ आइडिया नहीं होता है। तो इस तरीके के केसेस में हम कुड का प्रयोग करते हैं। इन कंक्लूजन, मे, माइट एंड कुड आर मॉडल वर्ब यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटीज। ये तीनों ही मॉडल वर्ब से हम पॉसिबिलिटीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। मे इज यूज फॉर मोर लाइकली पॉसिबिलिटीज, मे जो है ज़्यादा पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए हम मे का यूज करते हैं। माइट इज यूज फॉर लेस लाइकली पॉसिबिलिटीज, माइट जो है बहुत कम पॉसिबिलिटीज दिखाने के लिए यूज करते हैं। कुड इज यूज फॉर अनसर्टेन पॉसिबिलिटीज, कुड को हम जो चीज़ निश्चित नहीं है, जिस चीज़ का हमें पता ही नहीं होता है, उस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं। उस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ को, इस तरीके का पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं। सो लास्टली, प्रैक्टिस यूजिंग दिस मॉडल वर्ब टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन योर ओन सेंटेंसेस। आपको मॉडल वर्ब्स को आपको सीखना है सही तरीके से तो आपको लिखकर या बोलकर इसको प्रैक्टिस करना होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग ये वाला वीडियो देख सकते हैं।